हमारे साथ बताएंगे ये जो मस्जिद में चोरी हुई है तो क्या कहेंगे? यहाँ जो कादरिया मस्जिद कामसर है इससे मुख्तसिल एक बहुत बड़ी ज़ियारत है। यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर ज़ायरीन जो है हाजिर होते हैं और यहाँ पर दुआ भी करते हैं और अपनी नजर व न्याज इस ज़ियारत के ऊपर चढ़ाते हैं। बहुत सारे लोगों को इस ज़ियारत से अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से और वली की सादत से जो है बहुत सारे लोगों को जो है यहाँ से फैज़ मिलता है। यहाँ पर आम रोड भी है, यहाँ लोग ज़ियारत पे हाजिर होते हैं और अपनी मन्नतें यहाँ पर जो है वो चढ़ाते हैं और इस ज़ियारत के ज़ेर एहतमाम काफ़ी यहाँ पर कब्रिस्तान का यहाँ पर कामकाज भी जो है होता है। बड़े दुख की बात ये है कि ज़ियारत की जो हमारे यहाँ पर सेफ है जो एक मज़बूत सेफ है यहाँ पर 2-3 लाख उसमें जो है वो लगे हुए थे। आज रात के आखिरी पहर में यहाँ पर कोई शख्स आता है जिसने ये लाख तोड़ करके अंदर से जो है जितने भी यहाँ पर पैसे थे वो सब पैसे जो है उसने निकाल लिए हैं। और इससे पहले भी जो मस्जिद शरीफ है कादरिया मस्जिद शरीफ यहाँ पर जो हमारा पर्सनल रहने का कमरा जो मस्जिद की तरफ से है तकरीबन 2 साल पहले यहाँ पर उस कमरे का ताला तोड़कर जो मेरा सामान था वो भी चोरी हुआ और काफ़ी लगभग 1 लाख के करीब जो है हमारी चोरी भी हुई थी जिसकी बरामदगी अभी तक नहीं हुई है और किस शख्स ने की अभी तक हमने उस वक्त भी पुलिस में जो है अपनी जो है वो शिकायत दर्ज की थी लेकिन उसके वो बंदा भी अभी तक जो है नहीं पकड़ा गया है। और आज बड़े दुख की बात ये है कि जो हमारी मस्जिद से मुतसिल जो ज़ियारत शरीफ है यहाँ पर काफ़ी तादाद में दिन में काफ़ी यहाँ पर इनकम आती है। कुछ देर पहले हमने निकाला था 1 लाख रुपये यहाँ से निकले थे तो आज भी तकरीबन लगभग आज ये कहता है कि 70 से 80 या 1 लाख के करीब रुपया यहाँ पर होगा क्योंकि जो मार्केट के लोग हैं सुबह यहाँ पर जब अपनी दुकान खोलते हैं सबसे पहले जो सेफ था ये पूरा जो है वो पैसों से भरा हुआ था तो ये बहुत बड़ी चोरी। कितने पैसे हुए होंगे लगभग अंदाज़ा आपका? लगभग ये जो मार्केट के लोग हैं जिनको यहाँ और जो निकालने वाले हैं ये कहते हैं 80,000 से अब कि इस बंदे को जल्द जल्द पकड़ा जाए। और दूसरी हमारी गुजारिश ये है कि ये मस्जिद शरीफ है यहाँ पर ज़ियारत है यहाँ पर मार्केट है और इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा आगे चल के जो है गुरुद्वारा है ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और कुछ सालों पहले यहाँ पर रात में मुकम्मल जो है आ रहे थे यहाँ पर पुलिस की चौकी जो है वो रहती थी 2-3 साल हो गए वो चौकी यहाँ से उठा ली किस्म की ये वारदातें इस मोहल्ले में जो है शुरू हो गई हैं। मैं काबिले इज्जत SSP साहब से गुजारिश करूँगा पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश रहेगी कि वो हस्बे साबिक जो चौकी यहाँ पर मामूर की गई थी उस चौकी को दोबारा यहाँ पर जो है वो मामूर किया जाए ताकि मस्जिद की हिफाजत भी हो सके। गुरुद्वारा है ज़ियारत शरीफ है और यहाँ पे मोहल्ले के लोग हैं ये चोरी भी है और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। इन सारी चीज़ों की हिफाजत उसी वक्त हो सकती है जब मस्जिद से मुतसिल जो हमारी पुलिस चौकी थी उसको वापस यहाँ पर जो है बहाल किया जाए ताकि इस किस्म की वारदात आगे आने से लोग महफूज रह सकें। और हमारी पुरजोर ये अपील है यहाँ पर ये सारे मोहल्ले के लोग इस वक्त परेशान हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से अपनी उम्मीद लगाए हुए हैं और यही गुजारिश कर रहे हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से बिलखसूस पुलिस डिपार्टमेंट से हमारी गुजारिश रहेगी कि वो जल्द इस जिस शख्स ने ये कार्रवाई अमल में लाई है उसको जो है जल्द जल्द पकड़ा जाए उसको कड़ी से कड़ी जो है वो सजा दी जाए ताकि ये जो हमारा नुकसान हुआ है आइंदा इस नुकसान से जो है महफूज रखा जा सके।